हेलो गाइस, वन सेकंड ऑल ऑफ यू, आई एम प्रशांत। या देखिए, मैं आप लोग के जो वीडियो लेके आया हूँ मशीनिस्ट क्लासेस से, बहुत ही अच्छी वीडियो है। हम लोग शेपर का जो है अगला पार्ट करेंगे, Part-5। ठीक है, अब शेपर के एक दो पार्ट और बचे। देखिए, इसी तरह मैं पूरा आपका कोर्स ख़त्म कराऊंगा और मैं चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया एजुकेशन आप प्राप्त करिए मशीनिस्ट क्लासेस की तरफ से। ठीक है, तो वही मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि शेपर जो पाँचों पार्ट है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कटिंग टूल के बारे में, कटिंग टूल का मटेरियल। भाई, शेपर मशीन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, चलिए हम मशीन तो यूज़ करते हैं, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि भाई मशीन पे हम अगर काम कर रहे हैं तो भैया काम करेंगे तो किसी के माध्यम से काम करेंगे, और वो माध्यम हमारा क्या होगा, टूल होगा। अगर टूल नहीं है तो शेपर मशीन तो बेकार है। तो हम लोग टूल लेते हैं तो टूल कैसा लेते हैं, कौन से मटेरियल का टूल हम लोग लेते हैं, तो हम लोग को ये देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, शेपर जो कटिंग टूल मटेरियल होता है, पहली बात हाई कार्बन स्टील का होता है, दूसरी बात हाई स्पीड स्टील का होता है, तीसरी बात सीमेंटेड कार्बाइड का होता है, चौथी बात स्टेलाइट का होता है, पांचवी सिरामिक्स होता है, और छठा क्या होता है, डायमंड होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए, हाई कार्बन स्टील HCS, HSS और सीमेंटेड कार्बाइड, सी स्क्वायर, एस स्टेलाइट और सी सिरामिक्स और डी डायमंड। तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, याद करने में कुछ नहीं है, HSD SS कर सकते हैं। ठीक है, HSD हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, सिरामिक, स्टेलाइट, ठीक है, सी आपका सी भी आता है इस पर, ये ध्यान रखिएगा, CHSD याद रखिए नाम। ठीक है, तो मैंने एक अपने मतलब से मैंने बता दिया आपको। चलिए ठीक है, हम लोग आते हैं हाई कार्बन स्टील के बारे में पढ़ते हैं कि हाई कार्बन स्टील के बारे में है क्या। देखिए, जो हाई कार्बन स्टील होता है, पहली बात इसका नाम क्या है, हाई कार्बन स्टील, मतलब तोड़िए अब कार्बन, हाई कार्बन स्टील क्या है कि स्टील में किसकी मात्रा हाई है, उच्च है, कार्बन की। तो कार्बन हमारे इसमें कितना होगा, 1.4 से 1.8। पेपर में ये बहुत पूछता है कि हाई कार्बन स्टील में कार्बन मात्रा कितनी होती है, तो 1.4 से 1.8 तक होती है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, हाई कार्बन स्टील ऐसा है जिसे हार्ड और टेम्पर जो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसा है, हम लोग इसको हार्ड टेम्पर करें। हार्ड और टेम्पर का मतलब क्या होता है भाई, फोर्जिंग अगर आपको मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहाँ से पता चलेगा हार्ड और टेम्पर होता क्या है। फोर्जिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपने देखा होगा कुल्हाड़ी उलाड़ी जो बनाते हैं वो क्या करते हैं कि एक ऐसी भट्टी टाइप में होती है, उसमें रख देते हैं और चलाते रहते हैं, लोहा गर्म हो जाता है, लाल गर्म हो जाता है, उसके बाद क्या करते हैं ईटा हैमरिंग करते हैं। जब उस धातु पर हम लोग हैमरिंग करते हैं, चोट मारते हैं, तो उसको जैसा स्ट्रक्चर चाहे वैसे स्ट्रक्चर दे देते हैं, उसके बाद फिर उसको हम ठंडा करने के लिए किसी न किसी चीज़ में रख देते हैं, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, तो हार्ड भी हो जाता है और टेम्पर भी हो जाता है। और क्या होता है कि जो टूल होता है ना, इसको हम लोग फोर्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, फोर्ज करने का मतलब वही जो मैंने बताया, हैमर से हैमरिंग करने को हम लोग फोर्ज कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो फोर्ज कर सकते हैं, इसमें क्या है, जो ये आपका टूल है हाई कार्बन स्टील का, देखिए हर एक टूल ऐसा होता है कि जब टूल को हम लोग गर्म करते हैं तो कोई कोई टूल ऐसा होता है ज़्यादा गर्म करने पर क्या हो जाएंगे, चटक जाएंगे, बेकार हो जाएगा। कुछ ज़्यादा टूल ऐसे होते हैं इनको गर्म कर दो ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं। तो जैसे ये हाई कार्बन स्टील टूल है, इसमें क्या है, इसकी जो टेम्परेचर है, तापमान है 200 से 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। यह तापमान पर ही अपनी कठोरता जो होते हैं हार्डनेस वो खो देते हैं। अगर हार्डनेस खो दिया तो हमारा टूल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये होता है क्योंकि यह कम तापमान पर नहीं रहते हैं। ठीक है, अगला, इन पर घिसने का प्रतिरोध भी कम होता है, मतलब रेजिस्टेंस भी कम होता है। कम स्पीड अगर हम लोग इसकी इसमें हाई कार्बन का कर भी कम स्पीड रखेंगे तो नर्म धातु की कटिंग के लिए इस धातु के लिए बहुत बढ़िया है, ये धातु बहुत अच्छी है। मतलब क्या है कि शेपर मशीन की स्पीड हम लोग कम रखें तो ये क्या है, कटिंग करने के लिए बहुत बढ़िया धातु है। ठीक है, और इससे बने जो कटिंग टूल होते हैं ना, वो 10 से 12 मीटर मिनट का कटिंग स्पीड कर सकते हैं। तो मीटर मिनट आपको पता ही, कटिंग स्पीड की जो वो होती है, यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो मीटर प्रति मिनट ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले आते हैं हम लोग हाई स्पीड स्टील। देखिए, हाई स्पीड स्टील में क्या है कि ये सबसे अच्छी क्वालिटी की स्टील होती है, इसे हम लोग कहते हैं अलॉय स्टील। क्या कहते हैं, अलॉय स्टील कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, हाई स्पीड स्टील में भाई प्योर स्टील है, इसमें क्या क्या मात्रा होती है, टंगस्टन होता है 14%। ठीक है, टंगस्टन भी होता ही है इसमें, टंगस्टन, क्रोमियम, वैनेडियम, कार्बन, तो टंगस्टन 14, 18, 22% तक होता है। ये एक अनुमान हमारा, ये अंदाज़ा है, 14, 18, 22 याद रखिए,
चार चार आठ चार बारह ऐसे करके याद रखिए, ठीक है। और क्रोमियम की मात्रा होती है, ठीक है, क्रोमियम हमारा होता है Cr, इसकी मात्रा होती है 4% होती है। वेनेडियम की मात्रा हमारी कितनी होती है, 1% होती है। और कार्बन मात्रा कितनी होती है, 0.7% होती है। कार्बन मात्रा इसमें कम है इसलिए प्योर स्टील है, ओके। अगर ज़्यादा कार्बन मात्रा हो जाएगी तो हाई कार्बन ज़्यादा आ जाएंगे तो हाई कार्बन स्टील चली जाएगी, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि 0.6 तक इसमें मॉलिब्डेनम भी होता है, ठीक है, मॉलिब्डेनम भी मिला दिया जाता है, ठीक है। और क्या है कि यह हाई कार्बन स्टील की अपेक्षा 2 या 3 गुना तेज गति से ये काम करती है, यानी कि हाई कार्बन स्टील की अपेक्षा ये 2-3 गुना से बहुत तेज़ी काम करती है हाई स्पीड स्टील। और ये इसकी जो अपनी ये टेम्परेचर कब खो देता है, कितने टेम्परेचर पर, 500 से ये 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अपने ये तापमान को खो देती है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्जिंग टूल भी बना सकते हैं, बस समझ गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सीमेंटेड कार्बाइड टूल। सीमेंटेड कार्बाइड टूल देखते हैं, देखिए सीमेंटेड कार्बाइड टूल ये है कि ये अलोह धातु है। अलोह धातु कैसे कहते हैं, इसमें लोहा ना हो, लोहा नहीं है, क्यों, क्योंकि नाम ही जुड़ गया सीमेंट, तो यही नाम रखिए। पूछ सकता है पेपर में कि ये सीमेंटेड कार्बाइड धातु जो है लोहे के अलोह, तो कहेंगे अलोह, क्योंकि सीमेंट नाम रखिए, सीमेंट को लोहा तो है नहीं, तो लोहा नहीं है तो अलोह हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा, देखिए अब अलोह है, अब आपको बताइएगा सीमेंट होगी तो भंगुर, मतलब भुरभुरी होगी, तो उसमें कहिए भंगुर, भंगुर का मतलब ये होता है जिसमें ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस का मतलब ये होता है भंगुर, ठीक है, भंगुरता और कठोरता। भाई सीमेंटेड कार्बाइड है, सीमेंट से बनेगी, सीमेंट हार्ड भी होती है भंगुर भी होती है, बात पकड़ में आ गई। दूसरी बात क्या है कि इसमें टंगस्टन, टंगस्टन कितना है, 94%, कार्बन कितना है, 6%, ठीक है, तभी तो 100% हुआ। टंगस्टन और क्या है, कार्बन, टंगस्टन हमारा 94 है, कार्बन 6% है। टंगस्टन कार्बाइड कार्बन और कोबाल्ट मिला होता है, ठीक है, टंगस्टन कार्बन दो बात हो गई, और क्या होता है, कोबाल्ट होता है और कार्बाइड टिप होती है, ठीक है। लेकिन कई बार टाइटेनियम और टाइटेनियम भी मिला दिया जाता है, ओके, ध्यान रखिएगा। और यह है हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा 4 से 6 गुना तेज गति पर काम करती है, ध्यान रखिएगा भाई, वो 2 से 3 गुना। सीमेंटेड कार्बाइड हो गया, ये भी हार्ड है, ठीक है, भले भंगूर है तो क्या हो गया, सीमेंट अलोह धातु भले क्या हो गया इससे, लेकिन ये कम से कम 4 से 6 गुना ये भी तेज गति पर काम करती है। ये अपना टेम्परेचर हार्डनेस कब खो देगी, अगर 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो ये अपनी हार्डनेस को खो देगा, ठीक है। और ये कठोर धातु के लिए होता है, फोर्ज नहीं किया सकता है, फोर्जिंग कर देंगे तो भैया ये तो भंगूर है, टूट जाएगी आराम से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्टेलेट पे, देखिए स्टेलेट का सीन क्या है कि ये कास्टिंग अलॉय मेटल है, ठीक है, कैसा है, कास्टिंग, कास्ट किया हुआ अलॉय मेटल, भट्टी में इसको कास्ट किया हुआ जमा के, ठीक है। इसमें टंगस्टन 12 से 19%, ठीक है, टंगस्टन कितना है, टीएन 12 से 19% है। क्रोमियम कितना है हमारा, 30 से 35% है क्रोमियम। और कोबाल्ट कितना है, 40 से 48% कोबाल्ट है। और कार्बन कितना है, 1.8 से 2.5% तक हमारा, ठीक है, कार्बन है। इसमें क्या होता है कि झटका सहन करने की क्षमता होती है स्टेलेट में, ध्यान रखिएगा, जितना अधिक अगर झटका पड़ता है मशीन पे एकदम से, मान ली कोई कठोर धातु है, अब टूल लड़ेगा तो भाई कस के लड़ेगा तो टूटेगा नहीं, तो स्टेलेट का टूल हम ले लेते हैं, ठीक है। टिप भी इसकी बनाई जाती है और इसकी मोटाई 5 से 10 गुना इसकी होती है मोटाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और देखिए इसको टूल होल्डर में पकड़ कर हम लोग टूल होना में पकड़ सकते हैं इस लाइट को, या शेंक होती है, शेंक ब्रिजिंग कर सकते हैं, ठीक है, ब्रिज भी कर सकते हैं, ब्रिजिंग समझते हैं ना आप ये। और 800 से 850 डिग्री सेल्सियस तक अपनी ये हार्डनेस बनाए रखता है, ये हाई स्पीड स्टील से 2 गुना तेज़ी गति से काम करता है। नेक्स्ट आते हैं सिरामिक। सिरामिक में क्या है कि ये एल्युमिनियम ऑक्साइड ही होता है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसका ये पाउडर होता है, ठीक है, इसी के पाउडर से सिरामिक बनता है। ये 1100 से डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस अपनी हार्डनेस बनाए रखता है, भंगूर ये भी होता है। सिरामिक, सिरामिक ऐसे समझ लो सीमेंटेड हो गए, ये भंगूर अपने भंगुरता बनाए रखती है, ये भंगुरता होती है इस पर। और इसकी बिट कार्बन स्टील की सेल्ड पर, सेंक पर वेल्ड कर देते हैं, ठीक है। बिट जो होगी ना हाई कार्बन स्टील की, जैसे मान लीजिए ये हमारी है, तो ये किसकी होगी, SCS की होगी, हाई कार्बन स्टील, यहाँ बिट हमने इसको क्या कर दिया, वेल्ड कर दी, ठीक है। और इसकी जो टूल होती है ना फिनिशिंग के लिए होती है। नेक्स्ट आते हैं डायमंड। डायमंड देखते हैं, देखिए डायमंड जो है ना ये बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है डायमंड, ठीक है। और आपको पता ही है डायमंड हार्ड मटेरियल होगा, इसमें घर्षण भी कम होगा, और इसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, फिनिशिंग में करेंगे, क्योंकि अच्छा है, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि डायमंड डायमंड का टूल ऐसे लोग सब लोग यूज़ नहीं करते हैं, वर्कशॉप में तो चोरी हो जाए भाई, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जैसे बैकेलाइट, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, ब्रास इत्यादि धातुओं की हम लोग क्या करते हैं, टर्निंग करते हैं। अब डायमंड का मतलब ये नहीं कि पूरा हीरे का ही टूल होगा, ऐसा नहीं है, पीछे तो टूल कुछ और होगा हाई कार्बन स्टील वगैरह का, लेकिन आगे जो पॉइंट होगा वो डायमंड का होगा, ओके, समझ गए ना, छोटा सा पॉइंट। तो इसका प्रयोग हम लोग कहते हैं लैपिंग व्हील। लैपिंग व्हील क्या होता है ये मैं सिखाऊंगा, जब आपको मैं व्हील के ग्राइंडर के बारे में पढ़ाऊंगा तब उसमें आपको बताऊंगा लैपिंग होती क्या है, ठीक है। इसमें कार्बन भी मिली होती है,
कटिंग टूल 1500 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस अपने ताप पर कार्य करता है। ठीक है, अब जो अगली वीडियो आपके लिए गुरु आएगी, समझिए सभी लोग, तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे ये हैं कि शेपर मशीन में कॉनकेव और कॉनवेक्स सतह, ठीक है, कॉनकेव और कॉनकेव दो सतहें होंगी, इनको अनियमित कर्व सतह की शेपिंग हम लोग करनी है। तो कौन कौन सी विधियाँ करनी है ये देखो, पहली विधि ये हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल फीड एक साथ देंगे, हॉरिजॉन्टल फीड देंगे वर्टिकल, दूसरी है स्पेशल टूल लेंगे फॉर्म टूल, फॉर्म टूल का मतलब होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के रेडियस टाइप के कुछ बने हों। ठीक है, अगला है रेडियस कटिंग अटैचमेंट प्रयोग करके और कंटूर टेम्पलेट प्रयोग करके। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखेगा, तो अगर सभी लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, पूरी वीडियो देखा करिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको मैं PDF फाइल दे दूंगा, वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, जो मैंने पढ़ाया सेशन इसकी PDF फाइल वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको मजा आएगी। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू।